उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भैया एवं बहनों, मैं एकता पांडे इस हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार एवं कुछ भावनाएं लेकर उपस्थित हुई हूँ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम यहाँ हिंदी दिवस मनाने के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। अपने विविध धर्म, सांस्कृतिक, भाषाओं और परंपराओं के साथ भारत के लोग सद्भाव, एकता और सौहार्द के साथ रहते हैं। भारत में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भाषा है। पूरी दुनिया में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली चौथी भाषा है। वर्ष 1949 में हिंदी को हमारे देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था हमारे देश में, और तब से हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। हिंदी भाषा सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभाषा को बोलने में गर्व होना चाहिए। हिंदी दिवस पूरे भारत में उत्साह एवं गर्व के साथ मनाया जाता है। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हमारी राज्यभाषा, सर्वप्रथम इसका सम्मान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया था, और तब से प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भारत के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हमारे लिए यह बहुत सम्मान की बात है कि हमारी राज्यभाषा हिंदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्लेटफॉर्मों में अपनी लोकप्रियता हासिल कर रही है। आज हिंदी दिवस के इस मुख्य अवसर पर हम सब एक शपथ लेते हैं कि हम अपनी राष्ट्रभाषा लोकप्रियता को कभी कम नहीं होने देंगे और अपने भारतीय संस्कृति की मान मर्यादाओं को बनाए रखेंगे। इसके साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अंतिम कुछ पंक्तियों में कहना चाहती हूँ। सारा जहाँ ये जानता है, यही हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा है, जिससे है मुझे पहचान मिली, वो मेरी हिंदी भाषा है। जब भी होता ये दिल भावुक और ये जुबान लड़खड़ाती है, ऐसे समय में बस अपनी मातृभाषा ही काम आती है।